If ABC are non-zero and this is equal to this, then 6B into this is equal to. Yes, you can call this a medium question. You can say that. बट ये सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला. स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट यूजिंग टू मेथड्स. आप कोई भी पिक कर लीजिए. पहला ये कि आप देखिए इनमें कनेक्शन क्या है. 14, 36, 84, इनमें क्या कनेक्शन है. कनेक्शन ये है कि अगर मैं 14A इज इक्वल टू 36B इज इक्वल टू 84C इज इक्वल टू सपोज करो K लिख दूं, तो 14 को लिखा जा सकता है K की पावर 1/A, 36 को लिखा जा सकता है k की पावर 1/3 क्योंकि ये उधर चला जाएगा, एंड 84 को लिखा जा सकता है k की पावर 1/c. एंड एक्चुअली इनमें क्या रिलेशन है 84, 14 और 36 में. 84 अपॉन 14 जो होता है ये 6 होता है, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है कि 14 6 का 84 होता है. ये रिलेशन अगर आपको क्लिक कर जाए देन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 84 की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/c अपॉन 14 की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/a उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/b. अब अगर आपको ये पता है कि अगर बेस सेम हो और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, एंड ये स्क्वायर है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2/c एंड 2/a. तो मैं अगर इसे सिंगल स्टेप में लिखूं, चलो डबल में ही लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे. 2/c अपॉन k की पावर 2/a इज इक्वल टू k की पावर 1/b. अब इसे अगर ऊपर ले जाऊं तो ये जो पावर्स हैं ये सबट्रैक्ट करेंगी. 2/c माइनस 2/a इज इक्वल टू k की पावर 1/b. अब अगर बेस सेम होता है ना तो पावर्स कैन बी इक्वेटेड, तो वी कैन राइट 2/c माइनस 2/a इज इक्वल टू 1/b. इसमें अगर 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन 1/c माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b. सो 1/c माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/2b. इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें देन वी कैन इजीली गेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो 6b इंटू 1/c माइनस 1/a की वैल्यू क्या है, 1/2b. तो बी से बी कट जाएगा, 2 3 6, सो द आंसर विल बी 3 एंड दैट विल बी आवर आंसर 3. तो बस आपको ये क्लिक करना चाहिए कि 14 84 36 इनमें रिलेशन क्या है. वो रिलेशन एक्चुअली में ये वाला था कि 14 6 का 84 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है. इसके बाद आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी एंड यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर कि आपको क्या पूछा गया, क्योंकि कैट पूछता है इस हिसाब से कि आप उस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर सको. अब अगर आपको ये क्लिक ना करे तो आप क्या कर सकते हो, आप लॉग से भी इसे कर सकते हो. मान लीजिए आपने ये इक्वेशन लिखी है तो मैं इसमें लॉग लेता हूँ बोथ साइड्स. जैसे पहली इक्वेशन होगी 14 की पावर a इज इक्वल टू k, दोनों साइड लॉग लूँ तो ये बन जाएगा a लॉग 14 इज इक्वल टू लॉग k. बस 14 की पावर a इज इक्वल टू k है, लेकिन लोग लॉग बोथ साइड्स, ये a जो है वो आगे आ जाता है. अगर आपको याद है कि लॉग ले रहे हैं तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है. इससे मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, व्हाट इज a इज इक्वल टू लॉग k अपॉन लॉग 14. सिमिलरली अगर हम 36 की पावर b और k को ले तो ये बनेगा, दोनों साइड लॉग ले, लॉग 36 इज इक्वल टू लॉग k. इसको फर्दर लिख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या आ गई, लॉग k अपॉन लॉग 36. सिमिलरली आप सी की वैल्यू भी लिख सकते हो, सी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, बट स्टिल लॉग के इज इक्वल टू लॉग 84 इज इक्वल टू लॉग के, विच इम्प्लाइज कि सी इज इक्वल टू लॉग के अपॉन लॉग 84. अब ए बी सी की ये जो भी वैल्यूज हैं इसे हम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या है. हमें पूछा गया ना 6b इंटू 1/c माइनस 1/a इसकी वैल्यू क्या है, तो इसमें 6 इंटू बी है तो 6 इंटू बी क्या है हमारा, लॉग ऑफ के अपॉन लॉग ऑफ 36 ब्रैकेट 1/c. अब सी अगर लॉग के अपॉन लॉग 84 है तो 1/c इसका उल्टा हो जाएगा, सो व्हाट वी विल राइट इज लॉग 84 अपॉन लॉग के माइनस 1/a के साथ भी यही होगा, ये भी हो जाएगा लॉग 14 अपॉन लॉग के. अब अगर इसे हम सॉल्व करने जाएंगे थोड़ी स्पेस भी कम है तो इस 36 को आप 6 स्क्वायर लिख सकते हो, वो 2 आगे आ जाएगा,
मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, log k अपॉन 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग 6, ठीक है, इंटू अब नीचे एलसीएम लेंगे log k, ये बनेगा log 84, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ log 84 माइनस log 14, और वो क्या होता है log 14 अपॉन log 84 अपॉन 14। अगर आप आपको याद है फॉर्मूला log x माइनस log y क्या होता था, log ऑफ x अपॉन y, इसकी हेल्प से ये वाली चीज हो जाएगी log ऑफ 14 6 द 84 log 6, बेसिकली log 84 माइनस log 14 जो होगा log 84 अपॉन 14 बन जाएगा log ऑफ 6। इससे अब log 6 से log 6 कटेगा, log k से log k कटेगा, 2 से कटेगा 3 पे, सो आंसर विल अगेन बी 3 होंगे, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट। इट्स जस्ट कि आपको log k में बेसिक्स आने चाहिए, इसमें आपको एक क्लिक करना चाहिए था कि 84 अपॉन 14 का होल स्क्वायर जो है वो 36 होता है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये क्लिक नहीं कर रहा है तो इनिशियल स्टेज में फर्स्ट राउंड में आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, बाद में क्योंकि ये टीटा है तो आप इसमें कुछ भी वैल्यू जरूर लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, नेवर लीव दीज टीटा क्वेश्चंस ब्लैंक। बट आप इसे अब दोनों मेथड से ट्राई करिए सॉल्व करने का एंड देखिए कि ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।